हेलो स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ अवर सेकंड लेक्चर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हमारा फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया था, और उस लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन रीड करी थी, प्लस रेसिडेंट्स एंड हु आर नॉट इंक्लूडेड इन रेसिडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, एक पॉइंट समझाया था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, ठीक है, कि वॉट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड वॉट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड। तो हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट वन वॉज सर विजिबल आइटम्स, सेकेंड वन इनविजिबल, थर्ड वन यूनिलैटरल ट्रांसफ़र एंड फोर्थ कैपिटल ट्रांसफ़र। विजिबल आइटम्स विच कैन बी टच्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड, ओके। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनविजिबल आइटम्स विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, हम लोगों ने ये रीड किया था। फॉर एग्जाम्पल्स शिपिंग बिजनेस एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। जो थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था वो था यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन वे ट्रांजेक्शन, एक तरफा ट्रांजेक्शन जो हो रहा था। फोर्थ जो हम लोगों ने रीड किया था वो था कैपिटल ट्रांसफ़र, जो भी बोरिंग्स कर रहे हैं या उनका रीपेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, इन शॉर्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किसका पार्ट माना जाएगा, कैपिटल ट्रांसफ़र का पार्ट माना जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ BOP। क्या नाम है, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ BOP। देखो, अगर आपको याद हो 11th अकाउंट्स जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी तो हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम समझा था, एक साइड होता है क्रेडिट साइड और एक साइड होता है डेबिट साइड, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, दो तरह के अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए समझ लो यहाँ पर भी डबल एंट्री सिस्टम एप्लीकेबल हो गया, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो तरह की साइड्स होती है, फर्स्ट इज़ क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इज़ डेबिट साइड, ठीक है। ज़्यादा हमें अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं करने जो हम लोगों ने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, हम लोगों को एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि जो भी इनफ्लो होंगे, ऑल इनफ्लोज, जो भी पैसा हमारे पास रिसीव हो रहा है, आ रहा है हम लोगों को, ठीक है, वो किसका पार्ट माना जाएगा बच्चों, वो क्रेडिट साइड का पार्ट माना जाएगा, इज़ दैट क्लियर। एंड जो भी आउटफ्लो हो रहा है, जो भी हम लोग पे आउट कर रहे हैं, जो भी पे कर रहे हैं, जो भी पेमेंट्स लग रही है, वो किसका पार्ट माना जाएगा, डेबिट साइड का। ये दो टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है, समझनी है। तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही हम लोगों ने दो साइड यहाँ पर मेंशन करी है, फर्स्ट इज़ क्रेडिट साइड एंड सेकंड वन इज़ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में सारे इनफ्लो होंगे और डेबिट साइड में सारे आउटफ्लो होंगे, क्लियर। कंटिन्यू करते हैं, देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ BOP। BOP फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, कन्फ्यूज़ नहीं होना, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। There are three kinds of balance of payment. First one is balance BOP, second one is surplus BOP, third one is deficit BOP. Sir, what is balance BOP? When inflow is equal to outflow, when inflow is equal to outflow. For example, 10 लाख रुपए आप लोगों ने पे किया और 10 लाख रुपए आपको रिसीव हुआ, तो बराबर हो गया ना, तो इसको बोलेंगे बैलेंस BOP, बैलेंस। जितना आया उतना गया, जितना इनफ्लो उतना आउटफ्लो, दैट्स इट। देन नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट, सरप्लस BOP। सरप्लस मींस व्हाट, एक्स्ट्रा, इज दैट क्लियर। जब इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है और आउटफ्लो क्या होता है, कम होता है। एग्जांपल, 20 लाख रुपीस आपने रिसीव किया, इनफ्लो हुआ, 10 लाख रुपीस आपका आउटफ्लो हुआ, तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचा वो कितने लाख का बचा, 10 लाख का, दिस इज सरप्लस, इज दैट क्लियर। फर्स्ट वन इज बैलेंस BOP एंड सेकंड वन इज सरप्लस BOP। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग टॉपिक को। सरप्लस के बाद जो नेक्स्ट थर्ड आता है, लास्ट आता है, वो है डेफिसिट। सरप्लस का पूरा उल्टा, वाइस वर्सा। सर, सरप्लस में इनफ्लो ज़्यादा था तो डेफिसिट में आउटफ्लो ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा, आउटफ्लो, यानी 20 लाख आपने पे किया और 10 लाख रुपीज़ आपने क्या किया, रिसीव किया, तो आउटफ्लो, यानी आप ज़्यादा आपके यानी एक तरीके से नेगेटिव हो गया ये, है ना, पेमेंट ज़्यादा हो गया और रिसीव क्या हो गया, कम हो गया, इज डेट क्लियर। बात समझ में आई, बैलेंस बराबर सरप्लस यानी एक्स्ट्रा, डेफिसिट यानी शॉर्टेज, क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक टॉपिक BOT, कंफ्यूज ना होना है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड दिस इज BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट बैलेंस ऑफ ट्रेड, इज दैट क्लियर सर? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, आई रिपीट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इन शॉर्ट, अगर मैं BOT की डेफिनेशन आप लोग को क्लियर करूं, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। आई रिपीट, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। क्या? विजिबल आइटम्स, ठीक है, समझ मेरी बात। एंड विजिबल आइटम्स में सिर्फ विच कैन बी टच्ड एंड मेजर, सर्विसेज नहीं आएगा भाई, सर्विसेज नहीं आएगा। तभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ गुड्स को मैंशन किया ना, सर्विसेज को मैंशन नहीं किया। ट्रेड सिर्फ किस में? गुड्स में। दिस इज वॉट बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग अभी बहुत जल्द आ जाएंगे उसके डिफरेंस में, ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर। अभी आप लोग इसको समझो, सर क्या बताया, एक तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, फिर आपने तीन तरह के BOP बताए, कौन कौन से, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट, और आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड की क्या बताई, डेफिनेशन बताई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, और सिर्फ इसमें क्या आएगा, गुड्स, विजिबल यानी गुड्स, इनविजिबल आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, इज दैट क्लियर? कंटिन्यू करते हैं। यस जैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आपको बताया था सरप्लस BOP एंड डेफिसिट BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दो तरीके का है, सरप्लस BOT एंड डेफिसिट BOT, समझ में आ रही बात। सरप्लस BOT मीन्स सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट BOT मीन्स डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट, आई रिपीट, व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट, तो इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिंपल सी बात है, 15 लाख का मेरा एक्सपोर्ट हुआ और सिर्फ 6 लाख का मेरा इम्पोर्ट हुआ, तो सर जो 9 लाख का डिफरेंस है उसको बोलूँगा फेवरेबल, क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज डेफिसिट। क्या है ये डेफिसिट? व्हेन इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट्स, व्हेन इम्पोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स, इट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। एक और चीज़ आप लोग को समझनी है भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम होता है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। विजिबल क्यों? सिर्फ गुड्स की बात हुई यहाँ पर, सर्विसेज की बात नहीं हुई, या फिर दूसरा नाम है ट्रेड बैलेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़े। ओके, नाउ आपका इंटरेस्टिंग डिफरेंस आ गया, जो आप लोग अभी पूछ रहे थे, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा वो ये है, सर व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सिंपल सा डिफरेंशिएट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या था सर? डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्लियर, डेट्स इट। एंड वॉट इज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट मीन्स इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, विजिबल इनविजिबल, क्लियर। बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो सेकंड बेसिस है वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी इसमें सिर्फ क्या क्या इंक्लूड होता है सर? इसमें सिर्फ विजिबल आइटम इंक्लूड होता है, इज दैट क्लियर? सर BOP में विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफ़र प्लस कैपिटल ट्रांसफ़र, आ रही बात समझ में? स्कोप क्या है सर इसका? बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप ये है कि ये नैरो है, नैरो यानी छोटा। BOP का कंसेप्ट क्या है? वाइडर यानी बहुत बड़ा। यानी आप इसको यूँ समझ सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज दैट क्लियर? 3 पॉइंट्स हो गए, मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। फोर्थ वन इज़ कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये सबसे ईजी भी है। अब एक बात बताओ, जब आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था सर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफ़र प्लस कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, ठीक है।
एंड जब हम लोगों ने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा था तो हम लोगों ने यही देखा था, इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स, इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है? लेकिन अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूँ, इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। कन्फ्यूज ना होना, कैपिटल नेचर यानी बोरोइंग करना, लैंडिंग करना, आ रही बात समझ में? ये है सिंपल सा कंसेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है? ये हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहा है। आप उसको ध्यान से देखो, और जो भी नोट्स लिखवा रहा हूँ या जो लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में उतारते जाइए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो करंट अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट। तो बहुत सिंपल है ये, आपको पता है ना, जब मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया था तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। यू नो, याद है आपको? तो स्टार्टिंग के जो तीन पॉइंट्स थे ना बच्चों, सर कौन से? विजिबल, इनविजिबल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज एंड फर्स्ट वॉज विजिबल, सेकेंड वन इज इनविजिबल, थर्ड इज यूनिलैटरल। ये करंट अकाउंट की पार्ट, किसके अकाउंट के पार्ट है? करंट अकाउंट। और जो फोर्थ वाला था कैपिटल वाला, वो किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। सिंपल, ठीक है? जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। सर व्हाट इज करंट अकाउंट? इट रिफर्स टू विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, ओके सर, इम्पोर्ट प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है भाई? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इट मीन्स विजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट मीन्स इनविजिबल ट्रेड। एंड थर्ड वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर, दैट इज वन वे ट्रांजेक्शन। तीनों पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए। अब कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर ये हमने कहीं सुना है, ये वही डेफिनेशन है आप लोगों की। कौन सी वाली? रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। विच कॉज, ये डेल्टा का साइन है। डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज इन द एसेट्स एंड इन द, क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? कैपिटल अकाउंट के जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं सर? इसका नीचे लिखा हुआ है, दे आर यूज टू। तो कैपिटल अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है बच्चों? फाइनेंस डेफिसिट। फाइनेंस का मतलब पैसा प्रोवाइड करना, डेफिसिट यानी शॉर्टेज इन करंट अकाउंट है ये। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट, ठीक है? एंड सेकेंड पॉइंट इज एब्जॉर्ब सरप्लस। सरप्लस यानी एक्स्ट्रा। जहाँ पर अगर करंट अकाउंट में कुछ कमी पड़ जाती है पैसों की, तो वो सारा का सारा जो कमी है हम लोग कैपिटल अकाउंट से पूरा कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ करंट अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो उस करंट अकाउंट को, करंट अकाउंट का जो पैसा है वो, जो एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस है ये रहा, सरप्लस, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? कैपिटल अकाउंट। अगर मदद कर रहा है, कैपिटल अकाउंट से मदद मिल रही है, तो वो मदद ले भी तो सकता है। अगर वो दे रहा है तो ले भी सकता है, एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना? तो आज हम लोगों ने यहां तक पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस क्या, करंट अकाउंट। आ रही बात समझ? अच्छा, एक करंट अकाउंट में मुझे आपको एक और चीज बतानी थी जो मैं भूल गया था भाई। तो जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, यानी आप लोगों ने किसी बिल्डिंग में पैसा लगा के रखा है, उसका आपको रेंट मिलता है। क्या मिलता है? रेंट मिलता है। कुछ भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर्स में, या जो भी कुछ भी प्रॉफिट रिसीव हो रहे हैं आप लोगों को, वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? करंट अकाउंट का माना जाएगा। इज दैट क्लियर? कहीं पर भी आपने बाहर बिल्डिंग खरीद कर रखी, आपको उसका रेंट आता है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, उसका क्या आता है? डिविडेंड आता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है? तो हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़ लिए आज हम लोगों ने, किसके? बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो देर आर टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। और ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट के। बहुत ईजी चैप्टर है सर ये, जल्दी लर्न भी हो जाएगा। आगे और डिटेल में लेंगे चैप्टर में कि और क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आज यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू।